अपना टाइम आ चुका है, आर्म्स वर्कआउट डन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ये बज चुके हैं, जिम जाने का टाइम हो गया। नींद तो मेरी खुली थी 5:30, बट वही है, सुबह सुबह फिर उठना पड़ता है। ठंड में सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता। इस मौसम में तो वैसे भी बंदा नींद ज़्यादा आती है। चलो कोई नहीं, उठते हैं और होते हैं थोड़ा रेडी, फिर उठना तो पड़ेगा ही, जिम जाना है। सो रेडी हो चुके हैं और चलते हैं जिम को। ये क्या है? ये बादाम है ना, ये सुबह सुबह खाने चाहिए, अच्छे होते हैं। सो चलते हैं। एक तो गाड़ी बाहर लगी हुई है, एक अंदर, इसको कल वॉश कराया था, फॉग कितनी हो रही है। सो गेट खोलते हैं, चलते हैं फिर। ठंड मानो तो आप ना 5 डिग्री टेम्परेचर है सुबह सुबह, इतनी ठंड में उठना, कोई कोई उठता है फिलहाल तो। इसको लगते हैं, आप देख सकते हो जो हमारे घर के पास गुरुद्वारा है, तो सुबह सुबह पाठ चल रहा है। और आप देख सकते हो मैं तो फिलहाल ये खा रहा हूँ बादाम खराबी। देख सकते हो कितनी फॉग है, तो ठंड बहुत हो रखी है। सुबह सुबह 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमने रेडी कर लिया। इसमें क्या है बताओ, बताओ, बता सकते हो आप इसमें क्या है? कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करके बताओ इसमें क्या है। तो आप देख सकते हो पीछे कितनी फॉग है, तो टेम्परेचर 5 डिग्री है, बट और ठंडी हवा भी चल रही है, कोई बात नहीं। पहुंच चुका हूँ मैं, सो लेट्स डू इट। और आज हमने शोल्डर का वर्कआउट किया स्टार्ट, तो इसके बाद लगाने आर्म्स, तो चलो लगाते हैं। आर्म्स का वर्कआउट लगाने के बाद आर्म्स का बुरा हाल हो जाता है, और इतना कहते हैं ना जकड़ जाती है आर्म्स। तो टाइम हो चुका है 7:45, बट अभी तक फॉग काफ़ी है। सो आप देख सकते हो, सो पर कुल मिला के आ चीज़ों का हाल है, हूँ नवी चीज़ा आदि भैन जमा ही रद्दी। टाइम बज चुके हैं 8 बजे बज गए, अभी भी फॉग इतनी हो रखी है ना। इसमें था पानी, वो तो ख़त्म हो चुका है, और कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, रेडी होते हैं काम के लिए। हम हो चुके हैं रेडी और वेट कर लिया स्टार्ट, तो चलते हैं काम पे। इस मौसम में बाइक भी ना ठंडी पड़ जाती है, तो इसको ना थोड़ा टाइम स्टार्ट करके रखना ही पड़ता है, तो थोड़ा ना मीन्स गर्म हो जाए। तो अभी देखो आप ना ठंड की वजह से धुआं मार रही है बाइक, और इसको थोड़ा टाइम रखते हैं स्टार्ट। सो मैंने लाउड वाला सिलेंसर डलवा लिया था, तो ये वाला सिलेंसर डलवा लिया था, क्योंकि हमारे चलान बहुत होते हैं ना, तो थोड़ा देखना पड़ता है, इसलिए फिर सर्विस करवाई थी तो टाइम नहीं लगा, तो आज डलवा के फिर चलते हैं। तो इसका भी बहुत टाइम बाद टाइम आया है, इसका टाइम ये कहता था मेरा टाइम भी आएगा, इसका टाइम आ चुका है, तो मैं अब डलवाने आया हूँ यहाँ पर। ये हमारे घर के थोड़ा पास ही, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, और अच्छे से इसके अलॉय वगैरह चमक जाते हैं फिर ना, तो थोड़ा मज़ा भी आता है चलाने में। तो नहा धो के बिल्कुल चमक गई है बाइक, और इसको करवाते हैं साफ, तो कपड़ा भिजवाते हैं इससे, इससे थोड़ा ना अभी पानी सूख जाता है कपड़े से ना।
तो अभी साफ सुफ करके बिल्कुल चमक गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा फोटो शूट ही कर लूँ इसका, थोड़ा वीडियो भी बना लूँ। सो अब चलो इसमें आरसी वगैरह रखते हैं, आरसी रख के इसको बंद करते हैं और फिर चलते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। तो निकलते हैं, बाइक तो हो चुकी है, बाइक तुलवा ली है। आज तो वैसे ठंड इतनी हो रखी है ना, पूछो ना, ये धूप भी नहीं निकली, धूप तो बिल्कुल है ही नहीं बिल्कुल भी। वैसे अच्छी बात है पहली किक में स्टार्ट हो गए, नहीं तो इसके ना प्लग में पानी चला जाता है, फिर ना साफ़ करना पड़ता है, जल्दी स्टार्ट भी नहीं होता। वैसे ना ये वाला सिलेंसर का फ़ायदा बहुत है, आप ना पुलिस वालों के आगे से निकल जाओ, आपको हाथ नहीं देते हैं। हवा चल रही है, अगर आपको भी शायद हवा की आवाज़ आ रही हो, बट ये कह लो टेम्परेचर हो चुका है 10 के आसपास है टेम्परेचर। तो चलो चलते हैं। और आई होप गाइस ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप, अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।